मुझे दूसरी शादी पे कोई एतराज नहीं है। क्या खुद दूसरी थी ना इसलिए डायरेक्ट निकाह कर ले, मुझे कोई इशू नहीं है। कोई है प्लान आपका? नहीं, मेरा तो है ही नहीं। मैं तो अब समझता हूँ बंदा खुद अपनी पका के खा ले। साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए। क्योंकि आज फिर मेरे पास मौजूद है एक हसीनो जमीलो शकील कपल। जी हाँ, ये भाई साहब हैं और उन्होंने शादी की है इन हसीना से, इस हसीना से। और इस हसीना की उम्र है 25 साल और भाई साहब की जो उम्र है ना वो है 42 साल। काफी एज डिफरेंस है इनका। इनके पास मैं आई हूँ इनसे हम बात करते हैं कि भाई ये शादी जो है लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, कैसे मतलब ना हो गई। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। क्या मरकम मारा है आपने, मतलब आपके जो बाजू में बैठी है ना हसीना, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? ये बड़ी अजीब सी स्टोरी हुई। हुआ ऐसे कि मैंने एक रिश्ते वाली को कहा हुआ था भाई के रिश्ते के लिए, तो भाई के रिश्ते के लिए कहा था कि कोई लड़की ढूंढ के दे। उन्होंने मुझे इसकी तस्वीर दिखाई। अच्छा। मैंने कहा भाई को रहने दो, खुद करते हैं। ओए, आपने भाई को साइड पे कर दिया और आपने कहा कि पहले मैं शादी कर। मैं दोबारा कर लेता हूँ। पहले शादी हुई थी? जी, मेरी पहले शादी हुई है। क्या दूसरी कर ली आपने? तो इस्लाम में तो चार जायज है। वो तो पहले वाली बेगम कहाँ है आपकी? वो भी है। ये तो उन्होंने मना नहीं किया आपको कि क्यों कर रहे हैं? मेरे होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, मैंने तो करके बताया था। दूसरी बेगम है तो फिर कैसे रहते हो यार तुम लोग? पहले तो दो बेगमात कैसे रहे? वो कहाँ पे रहती हैं और आप कहाँ पे रहते हैं? अपने घर में रहती हूँ मैं, अपने घर में रहती हूँ। बहुत अच्छे से रहते हैं। हाँ। वो अपने घर में खुश रहती हूँ मैं, अपने घर में खुश रहती हूँ। अच्छा, जब अपने मियाँ के साथ खुश रहती हूँ मैं, अपने मियाँ के साथ। तो मियाँ तो एक ही है ना, यही तो मियाँ है। हाँ, तो जब उधर होते हैं उसके होते हैं, जब इधर होते हैं मेरे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताएं, जब आपके पास इनके लिए प्रपोजल आया कि भाई ये बंदा है इनसे आपकी शादी होनी है, तो क्या रिएक्शन था आपका, क्या सोचा आपने? मेरे मतलब वो जो रिश्ते करवाने वाली थी, मेरी बहन की भी जानने वाली थी और उन्होंने ना पिक्स फॉरवर्ड की हुई थी कि हमें भी रिश्ता चाहिए ना कोई। मेरी एक बहन है मेरे से बड़ी, उनकी भी शादी करनी थी मेरी बिना। कन्फ्यूजन है यार। तो इनसे उनका मीटअप तो हुआ कि भाई के रिश्ते की बात करनी है ना उस हवाले से। ठीक है। तो जब इन्होंने कहा ना कि ये लड़की मुझे पसंद है, मैंने शादी करनी है। अच्छा। तो मुझे जब ये बात पता चली तो मैंने कहा एक बंदा जो आपको जानता भी नहीं है, जिसने आपसे नहीं पूछा आप करते क्या हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, डायरेक्ट उसने कहा कि मैंने शादी करनी, मैंने निकाह करना, इसके अलावा और कोई बात नहीं की, डायरेक्ट यही कहा कि मैंने शादी करनी है। तो इससे खूबसूरत तो बात ही कोई नहीं है। आपने जो पिक्चर देखी थी, ग्लासेस लगाई हुई थी या नहीं लगाई हुई थी? ग्लासेस तो मैंने लगाए हुए थे। समझदार लोग दो शादियां करते हैं। समझदार या ना समझ की बात को, लेकिन अगर आपका दिल करता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करनी चाहिए। तो मतलब आप तो अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए आपने दोनों कर। ये तो मेरे लिए तीसरी भी ढूंढ रही है। ओए बेगम के पास बैठे हुए आप ऐसी बात कर रही है मेरे लिए। वाकई क्या चीज हो यार की इजाजत है? तो मुझे दूसरी शादी पे कोई एतराज नहीं है। अगर आप क्या खुद दूसरी थी ना इसलिए नहीं, मुझे तीसरी पे भी कोई एतराज। ये हुआ हो कि इधर आप इनके पास बैठे हो और नाम अपनी पहली बीवी का ले लिया हो? यार ये हुआ, मैं इनके पास था, इनके पास से मैं निकल गया। ठीक है। मैं जा रहा था फैसलाबाद। अच्छा, वो फैसलाबाद में होती हैं? फैसलाबाद। ओके। मैं ना जब रास्ते में पहुंचा ना तो मुझे मेरी बेटी का फोन आया। अच्छा। कहती बाबा घर ना आना। क्या हुआ? कहती दोनों मामा जो है ना ये इकट्ठी हो गई, इसने उसे फोन किया, ये आपस में कोई 2-2.5 घंटे बात की इन्होंने। ये कहती है कि 15-15 दिन मेरे पास नहीं आता, वो कहती है 15 दिन गांव नहीं होता, होता किधर है इन्होंने। इसने क्या किया, इसने कहा कि कोई दम दरूद वाला बंदा लाओ, उससे हिसाब कराओ ये जाता किधर है। उसने कहा कि ये ना ऐन की तरफ अलिफ की तरफ है, ना स्वाद की तरफ है, ना ऐन की तरफ है, ना स्वाद की तरफ है, ये ना पे की तरफ है। अब मैंने कहा इनकी पहली मिसेस का नाम आसमा है तो वो ऐन से, मेरा सनम है तो वो स्वाद से, पे से पीना, पे से परी। 10 दिन इधर रहो, 10 दिन उधर रहो, फिर 10 दिन वही रूटीन बन गई, तो काम मेरा बाप करेगा आके।
आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर है तो उसकी नीड्स क्या है। मतलब इनके पास पैसे नहीं है तो मुझे पता होता है कि नहीं है, मैंने उस हिसाब से मैनेज करना है, मैंने जुबान बंद रखनी है। जब इनके पास पैसे आते हैं तो मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि आए किधर से। हमारी इस बात पे अक्सर लड़ाई होती है, आए किधर से। बहुत सारे नहीं, नहीं चाहिए कि आए किधर से, ये काम ही नहीं है आपका। आप आम खाओ गुठले क्यों गिन रही हो? ऐसा नहीं ना, देखें अब मैं बीवी हूँ तो बीवी होने के नाते मैं इनके अच्छे बुरे हर चीज की पार्टनर हूँ ना, शरीक है। आपको क्या लगता है कि मैं कोई क्राइम करता हूँ? ऐसा नहीं कह रही, लड़ाई हो रही है। अच्छा अब हस्बैंड मेरे हेल्दी हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन इस बात से लोगों को बहुत मसला है। लोगों ने मुझे मतलब शुरू में तो इस तरह से कहते थे, डाइट कराओ, जिम जाओ। अभी थोड़े दिन पहले मेरा भाई आया तो अपने मियाँ से को जिम करें, मैंने कहा मेरा मियाँ मोटा है, मुझे कोई मसला नहीं, आप लोगों को क्या मसला है? कोई खास किस्म के तावीज़ पिलाए हुए हैं इनको कि ये उनके इश्क में पागल हो चुकी हैं और अब मतलब अंधी हो चुकी हैं ये, क्या किए आपने? एक शेर याद आ गया, इरशाद। वो एक है कहीं पढ़ा था, कोई इंज दा जादू दस डोला, मैं अग लिखा उन्हें लग जावे। ये बताओ कि ऐसी क्या गलती करेंगे तो आप इनको कभी माफ नहीं करेंगी? बेवफाई, टोटे टोटे कर दूंगी। डायरेक्ट निकाह कर ले, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये दोस्ती, ये यारी, मैं इस तरह की चीजों में इन्हें है प्लान आप? नहीं, मेरा तो है ही नहीं। मैं तो अब समझता हूँ बंदा खुद अपनी पका के खा ले। अच्छा देखो दो हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई खुद पका के खा लो। दो भी है इसलिए। नहीं, सम टाइम लगता है ऐसा कि बंदे को ना आजाद होना चाहिए, अपनी पका के कितनी रोटी बंदा खा लेता है, अपनी पका के खा लो, सुकून से जिंदगी गुजारो। मुझे बताएं भाई, आप इधर बैठे हुए हैं, आवाज आती है दोनों रूम से ना, आमने सामने रहती हैं ये दोनों बिगमार, उधर से आवाज आती है वकास, दूसरे रूम से भी आवाज आती है वकास, तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे, इनके पास या उनके पास? उसे कहूंगा जिसने आना मेरे पास आ जाओ। ऐसे करना इन्होंने, इन्होंने कहा आना दे, आओ मैं क्यों आऊं? आगे कोई प्लान है भी दोनों को एक घर में रख लूं? नहीं, अगर ये तो दोनों इकट्ठी हो जाएंगे, मैं फिर किधर जाऊंगा? लोगों का क्या रिएक्शन था? लेकिन मेरे रिश्तेदार यही कहते थे, अच्छा उधर कोल गड्डी है, उधर कोल पैसे ने। मैं कहा नहीं जी, बिल्कुल हमारी शादी एक ब्लाइंड निकाह नामा पेपर पे हुई है, कोई ऐसी शर्त और शुबाहत कुछ भी नहीं था। अच्छा। कि ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं था। इतने प्यार करने वाले आपको हस्बैंड है तो इनके लिए कुछ आप इरशाद? मैंने इनके लिए कुछ लिखा था और सिर्फ इनके लिए लिखा था कि खुद में रखता है मसरूफ नजर मुझे, फिक्र दुनिया में खोने नहीं देता। खुद में रखता है मसरूफ़ नज़र मुझे, फिक्र दुनिया में खोने नहीं देता। मैं जो बात बेबात आंसू बहा देती थी, मुझे तो अब खुशी पे भी रोने नहीं देता। और अपनी फितरत के खिलाफ जाकर करता है मेरी हम मिजाजी, फर्क उम्रों के भी मुझे महसूस होने नहीं देता। हाय हाय हाय, वाह भाई वाह वाह वाह, तालियां जाए तालियां। चलिए जी, मेरे साथ मौजूद था बड़ा ही हसीन जमील शकील कपल और मुझे इनसे बात करने का बड़ा ही अच्छा लगा है, बड़ा मज़ा आया आप लोगों से मिलके। अल्लाह ताला आप लोगों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें और टेक के खाएं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।